हेलो फ्रेंड्स, मैं ईशु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल लेट्स डू समथिंग न्यू पर। आज हम बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर क्राफ्ट्स। थ्री टाइप के पेपर क्राफ्ट्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्कोरबोर्ड। जी हाँ, ये मैंने अभी अभी अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। जैक्स कंपनी का ये स्कोर बोर्ड है। अगर आप एक क्राफ्टी हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं अभी आपको इसको यूज़ करना बताऊँगी, कैसे इसका यूज़ होता है और इससे किस किस तरह के आप क्राफ्ट जो हैं आपने बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें जो मार्किंग्स होती हैं वो इंचेस में होती हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी कुछ मार्किंग्स हैं और लेफ्ट साइड पे भी मार्किंग्स हैं। ये सारी मार्किंग्स जो हैं इंचेस में हैं। तो ये 12x12 इंच का स्कोरबोर्ड है। अमेज़ॉन पे 6x6 के भी अवेलेबल हैं, अलग अलग कंपनीज़ के हैं। मार्था स्टूअर्ट का है, ड्रेस माई क्राफ्ट का है, लेकिन मुझे ये जैक्स का भी अच्छा लगा क्योंकि ये भी मार्था स्टूअर्ट की तरह ही है। इसमें ये दो टूल हैं, एक ये बोन फोल्डर है और एक टूल है इसकी स्कोरिंग के लिए। बोन फोल्डर होता है क्रीज बनाने के लिए। तो इसके साथ एक और अटैचमेंट है, इसे आप एक ट्रायंगुलर शेप का जो है स्केल कह सकते हैं। इस पर भी कुछ मार्किंग्स दी हुई हैं और इसके साथ ही अलग अलग एनवलप कैसे आप बना सकते हैं इसके ऊपर उसकी कुछ डिटेलिंग भी दी हुई है, डिटेल्स भी दी हुई हैं। ये देखिए, एनवलप्स बनाने के लिए अलग अलग तरह के डाइमेंशंस जो हैं जो चाहिए होते हैं वो दिए हुए हैं। कौन से साइज़ का आप एनवलप बना रहे हैं वो यहाँ पर दिए हैं, उसके लिए किस साइज़ का आपको पेपर चाहिए है और उसको किस तरह से आपको स्कोर करना है। स्कोरिंग दो तरह से होती है इसकी, ए लाइन स्कोर एंड बी लाइन स्कोर। तो बी लाइन स्कोरिंग क्या होनी चाहिए, ए लाइन स्कोरिंग क्या होनी चाहिए, इन्होंने इस डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर बनाकर भी दिखाया है। अभी हम इसको लाइव भी बनाएंगे, डेमो भी मैं आपको दूंगी कि कैसे आपको एनवलप बनाना है। एनवलप बनाने से पहले हम कुछ और सिंपल क्राफ्ट्स करेंगे ताकि आपको स्कोर बोर्ड को यूज़ करना आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये एक इसको यूज़ करना बताती हूँ कि किस तरह से हमारा ये टूल जो है पेपर के ऊपर किस तरह से वर्क करता है। तो इसके लिए कोई भी आप इस तरह से स्पेयर पेपर ले लीजिए, हमें सिर्फ चेक करना है कि ये टूल किस तरह से वर्क करता है। ये देखिए, बस आपको जहाँ मार्किंग करनी है उस तरह से वहाँ पर आप इसको चला दीजिए, क्योंकि पूरे स्कोरबोर्ड में कुछ ग्रूव्स बनी हुई हैं जिनके कारण इस पर इस तरह से लाइंस बन जाती हैं। देखिए कितनी क्रिस्प लाइंस इसके साथ बनी है। और बस करना आपको कुछ भी नहीं है, इस तरह से फोल्ड करना है तो ये आपकी स्कोरिंग रेडी हो गई। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये स्कोर करता है। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इस पर स्कोरिंग हुई है। तो चलिए बनाते हैं हमारा आज का पहला प्रोजेक्ट जो है एक रोसेट। तो रोसेट बनाने के लिए मैंने एक 11 इंचेस का एक पीस लिया है। मेरे पास स्पेयर पीस जो भी पड़ा था मैंने ले लिया है। अब इसको हम हर हाफ इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के लिए यहाँ देखिए, मैंने ना तो पेंसिल ली है ना तो स्केल लिया है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस आप शीट इसके ऊपर रखिए और जैसे आप पेंसिल चलाते हैं उसी तरीके से अपना ये स्कोरिंग वाला टूल जो है इसके ऊपर इस तरह से चलाते रहिए। तो ये ग्रुप जो हैं उसमें स्कोर बनाने के या लाइंस बनाने का काम कर देंगी और बहुत ही अच्छी शार्प जो हैं क्रीजेज आपकी बन जाएंगी। ये हर हाफ इंच पर मैं इसको मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितनी अच्छी लाइंस बन गई हैं। और बस इसको इस तरह से जिगजैग फोल्ड कर लेंगे। जिगजैग फोल्ड करना कभी इतना इजी भी हो सकता है, आपने सोचा था कभी? मैंने तो नहीं सोचा था। ये देखिए, वरना तो जिगजैग करने में हालत ख़राब हो जाती है। और ये आइडिया तो सबसे अच्छा है कि बस पेंसिल की तरह इसको टूल को स्कोरबोर्ड के ऊपर चलाओ और अपना ये जिगजैग रेडी हो गया। ये देखिए कितनी एक्यूरेसी के साथ ये जिगजैग बना है, ज़रा भी कहीं कम ज़्यादा नहीं है। तो ये काफ़ी ब्रॉड है, मैं इसको बीच में से काट लेती हूँ क्योंकि अगर हम इतने ही बड़े इतने ही चौड़े से हम बनाएंगे अपना रोसेट तो काफ़ी बड़े साइज़ का बन जाएगा। मुझे बड़ा वाला नहीं चाहिए, मुझे छोटा रोसेट चाहिए है। तो इसको हम आपस में जोड़ लेंगे दोनों साइड से। तो
तो अब इस तरह से इसको पिंच करेंगे और इसके ऊपर एक एलिमेंट लगा देंगे। आप कोई भी एक पेपर को किसी शेप में काट लीजिए, वैसे मुझे सर्कल में ही अच्छे लगते हैं, तो कोई भी सर्कल एलिमेंट आप लीजिए, पीछे डबल साइडेड टेप लगाइए और इस तरह से इसको सेट करके इसके सेंटर में ये एलिमेंट आप चिपका दीजिए। तो इसकी बैक साइड पे भी हमें कुछ इसको स्ट्रेंथ देने के लिए इसकी बैक साइड पे भी एक एलिमेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आप कोई भी स्पेयर पेपर का पीस जो है स्टिक कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा रोसेट जो है, रोसेट फ्लावर जो है, बनकर बिल्कुल रेडी है। अलग अलग तरह की डेकोरेशन में ये काम आता है, तो है ना बहुत ही ईजी बनाना। आप किसी भी साइज़ का रोसेट इससे बना सकते हैं। तो अब बनाएंगे हम अपना बॉक्स। बॉक्स बनाने के लिए मैंने ये 4x4 की शीट ली है। इसको हम मार्किंग करेंगे 1 and 3 inches पे। दोनों साइड 90 डिग्री को घुमाया और फिर से इसको 1 and 3 पे स्कोर कर लिया। ये देखिए, अब इसके फर्स्ट स्कोर लाइन तक हम इसके चारों तरफ से एक एक स्लिट लगाएंगे। अब बोन फोल्डर की हेल्प से हम इसको, ये देखिए मैं बोन फोल्डर भी आपको यूज़ करना दिखाती हूँ। इस तरह से ये बोन फोल्डर आप यूज़ करके इसके जो क्रीजेज हैं बहुत ही शार्प जो हैं बना सकते हैं। बहुत अच्छे से ये बर्निश हो जाता है बोन फोल्डर की हेल्प से। ये देखिए, बस अब इन टैब्स के ऊपर ग्लू लगाकर हम इनको यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर लेंगे, तो ये हमारा बॉक्स बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा बॉक्स बन गया है। अब हम बनाएंगे इसका लिड। लिड बनाने के लिए मैंने वही 4x4 का पीस लिया है, लेकिन इस बार हम मार्किंग 1 की जगह 1 पॉइंट पहले कर लेंगे और दूसरी मार्किंग हम 3 पे ही करेंगे। ये देखिए, 1 से 1 पॉइंट पहले की है और दूसरी मार्किंग हमने 3 पर ही की है। तो इसको हम इस तरह से बोन फोल्डर की हेल्प से अच्छे से क्रीज बना लेंगे और सेम उसी तरीके से इसमें भी स्लिट्स लगाएंगे और इनके टैब्स को ग्लू की हेल्प से जोड़ के बॉक्स का शेप दे देंगे। क्योंकि हमने इसमें एक पॉइंट पहले मार्किंग की थी, इसलिए ये देखिए इससे हल्का सा लूज है ताकि ये एक लिड का काम अच्छे से कर सके। तो चलिए बनाते हैं एक एनवलप। इसके लिए मैंने लिया है ये 5.5 यानी 5.5 inch का एक पीस, 5.5 by 5.5। ये देखिए, जो इसकी पहला जो एनवलप है उसकी जो इन्होंने मेज़रमेंट बताई हुई है उसी मेज़रमेंट से हम ये एनवलप बनाएंगे। तो मैंने भी 5.5 by 5.5 inch का एक पीस लिया है और उसकी ए लाइन स्कोरिंग पहले करेंगे जो कि इन्होंने बताई है 2 inch पे। तो ये हमने 2 inch पे एक लाइन लगा दी। अब इसको घुमाएंगे और दूसरी लाइन बिल्कुल उसके ऑपोजिट लगाएंगे 2 inch पे ही। तो ये हमारी दोनों ए लाइन स्कोरिंग हो गई हैं। अब बी लाइन स्कोरिंग के लिए इन्होंने जो मेज़रमेंट बताई है वो है 2.5। तो ये भी दोनों ऑपोजिट लगाएंगे 2.5 पर। ये होगी हमारी पहली स्कोर लाइन और इसके ऑपोजिट ये हमने 2.5 inch पर बना दी दूसरी स्कोर लाइन। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से ये यहाँ पर कुछ ट्रायंगल शेप बन गई है। तो इन चारों ट्रायंगल शेप्स को हम यहाँ से कट कर देंगे, कट कर कर हटा देंगे। तो अब हम इसको अच्छे से बर्निश कर लेंगे अपने बोन फोल्डर की हेल्प से। तो अब इसको हम इस तरह से चिपका देंगे, लेकिन मैं ऊपर से इसका ये जो पॉइंटेड पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं कट कर दूंगी ताकि वो एनवलप का थोड़ा सा शेप जो है ले ले। आप चाहें तो इसको एज इट इज़ रख सकते हैं बिना कट किए, लेकिन मुझे थोड़ा इसको काट कर ही अच्छा लगता है। तो मैंने ये इसका ऊपर का शार्प पॉइंट जो है काट दिया है और इसको इस तरह से हम चिपका देंगे।
और अब हम इस जो शार्प एंड है इसको भी हल्का सा ऊपर से राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए बन गया ना हमारा एनवलप, कितना सुंदर लग रहा है, छोटा सा क्यूट सा। तो हमारे आज के तीनों प्रोजेक्ट्स जो हैं बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो ये बहुत ही काम का है स्कोरबोर्ड, आप इससे अलग अलग तरह के बॉक्सेस, एनवलप्स और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जो कि मैं फ्यूचर में आपको आपके साथ बनाकर शेयर करती रहूँगी। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक देखते रहिए लेट्स डू समथिंग न्यू। थैंक यू, बाय बाय।